दिल क्या मैं जहां भी मांगू तो दे दू दे दू दे दू। हाँ पहला काम करूं कागज कलम दवा दिला, लिख दू दिल तेरे नाम करूं, दवा दिला, लिख दू दिल तेरे नाम करूं। दिल क्या मैं जा भी मांगू तो दे दू मैं पहला काम करूं, कागज कलम दवा दिला, हाँ भाई दीपक, कहाँ से? अच्छा और कैसे हो? हूँ भाई, तू कैसा बस ठीक। आप कहाँ से हो? है? अरे यार, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। तेरी भाई अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे रहते हो? के बोधे में भूल गया क्या? भूल मादर गया क्या? चोद। शकल भूल गया क्या? वेन के लैंड है मादर चोद, क्या तेरी भाई की जी? पूछी लैंड, तेरी भाई रा बोदाम गाल दाम। और तारी भाई भी चौदांग है, लेवल थी। ले ले अभी मान सर मान सीधा से पे, बात कर, सर से बात कर। सर से बात कर। गंडो, ए गंडो, हाउ आर यू? फाइन। कहाँ से भाई? बेसिकली कहाँ से हो? राजस्थान से बोधी अबे रे भाई, तेरी गांड में भाई। अरे बहन के लंड, कहाँ से हो? कहाँ से हो? कहाँ से? तुझे करना क्या है? लैंड चूज़ ना है क्या? क्या करना है तुझे? क्या करना है बता? करना क्या है बताना हमको, तुझे क्या अरे करना क्या भैया, है? इसकी इसकी मार चल जा। क्या करना अरे है? भैया, लाइटर में घोल डाल देगा, तेरी लाइटर दे। ये है लाइटर, है ना लाइटर? तेरी गांड में डाल गांड जला देगा, दूंगा, तेरी तेरी गांड में डाल देगा वेन गांड के जला लैंड। दूंगा इस लाइटर से, समझा? समझ रहा है? तुझे डर नहीं घूम क्या लगता है कि करूं? मैं तुझे डिस्करेट कर दूंगा? डर नहीं लगता एक छापड़ दूंगा है? इस बार की चूत पहुंचने के, तेरी किस्मत है हमारे साथ। लाई बार तेरी बहन की चूत, तेरी लबड़े अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है क्या? मुंह धू तेरे ऊपर बहन के लंड में। पता नहीं क्या तेरे को जूत मारे थे। तू टट्टी टट्टी होती ना, टट्टी चिपकी हुई टट्टी है, तू पता है? टट्टी चिपकी हुई टट्टी है जो टट्टे चाट ले हमारे, धोने से भी नहीं जाती, ऐसी ए टट्टी है। चूतिए टट्टे चाट ले और हमारे, तू क्या करे, डिस्कनेक्ट कर देगा मेरे को यूं? तेरी अबे भाई की बोधी तेरा बहन के कनेक्शन ही लैंड, गाड़ दूंगा मेन के लंड जिंदगी में। भर कनेक्शन काट दूंगा, ये लगा दूंगा तेरी गांड में, देख आग चूतिए। और जितना तू बचा है ना, उतनी तेरे तेरी माँ से पूछ लेना लैंड उसके बहरे बोधे में कितना दिया तेरे को पैदा करने के लिए। दीपक, दीपक ब्रो मेरी बात सुन यार, फिर कब लेगा लाइव पे यार हमको यार? तो मुठ टिकट मारने तो लग गया क्या निकल, भोसड़ी अभी के? क्या कह रहा? तेरी निकल ले, निकल ले ले कपड़े भाई की गोदी लैंड। तो। आजा निकुंज माथुर, कॉल ते आजा। श्रुति बाहुले, कॉल ते आजा। हटो। हटो। चल भाई, अंकित मोर पालते आ जा। अंकित मोर, अरे दीपक लौड़े, तेरी माँ की फूदी बहन की चूत, तेरी बहन के लंड, ले ले बिहार से गांड मरा अपनी भोसड़ी के। सिमा की अरे लेकिन तुम अरे लोग तो लेकिन मेरे तुम को लोग तो मेरे करनाल को कुरुक्षेत्र के करनाल लग कुरुक्षेत्र रहे के हो, लग तुम रहे लोग हो, करनाल हम तो भाई के तेरी माँ हो। की चूत के हैं, बहन के लंड, तेरी माँ की चूत, भारत का नक्शा है भोसड़ी के। गांड बांट देंगे दीपक तेरी,
तरह से मात्र माँ चौधरा ही है। और क्या कर, क्या करते हो भाई आप लोग? तेरी माँ चौथते हैं भोसड़ी के। नो दिखाई, नो दिखाई, वो दूर करो थोड़ा। दीपक लडवे, लडवे दीपक, अरे दीपक, दीपक गांड में कैसे लेते हो तुम, एक बार भाई को बताना। ठीक है चलो बाय। अरे दीपक आवाज तो निकालो यार, गांड में कैसे लेते हो, एक बार आवाज तो निकालो भाई। आ जा भाई, अजय धाकड़ आ जा। ऋतिक राम मिश्रा आ जा। अरे चलो भाई आ जा, आई डॉन्ट इंस्टा आ जा, कॉल पे आ जा। हेलो हेलो, हाँ बोलो भाई, कहाँ से हो? हाय हाउ आर यू? फाइन, कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम कनाडा। ओके, कैमरा ऑन करोगे? एक्चुअली आई एम एट माय वर्क प्लेस। ओके, सो वेयर डू यू स्टे इन कनाडा? इन टोरंटो, ब्रैम्पटन। ओके, वहीं पे ना जहाँ पे सब पंजाबी रहते हैं? ओ या ऑफ कोर्स। कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? और ब्रैम्पटन में तो वहां पे तो रहते हैं लोग, वहां पे कोई घर से जॉब कर रहे हो क्या तुम? नो नो नो, आई ओन अ बिजनेस। अच्छा, क्या बिजनेस है आपका? इट्स अ क्लिनिक, इट्स अ डॉक्टर्स ऑफिस। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, व्हाई आर यू अप सो अर्ली? तो कभी ऐसे हुआ है क्या कि तेरी हड्डी तोड़ी किसने और तुझे खुद ही ट्रीटमेंट लेनी पड़ी? किसने तेरी हड्डी तोड़ी, तेरे हस्बैंड ने या तेरे पापा ने तेरी हड्डी तोड़ी? हाँ, मेरी हड्डी अभी तक तो टूटी नहीं है, भगवान भगवान की पूरी कृपा है, पर लग रहा है तुम्हारी सारी हड्डियां टूटी हुई हैं जो तुम मंजे पे ऐसे गिरे पड़े हो। और ये साथ में कौन है? ये तेरा पति है क्या? हाँ मेरा पति है। तेरा तेरा पति कहाँ है? अच्छा, तो दोनों मिलके कितने पैसे बनाते हो? रात रात भर काम करते रहते हो क्या? दिहाड़ी लगाते रहते हो पूरी रात? उल्लू की दुम, यहाँ पे अभी 7:30 हुए हैं, 9 बजे तक हमारा काम होता है। हम हार्ड वर्किंग लोग हैं, तेरी तरह सारा दिन बेड में बैठ के मजे नहीं लेते, वेला।
अच्छा, और इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया में हम पंजाब से ही होंगे, पंजाबी हैं तो ऑब्वियसली, अच्छा, पंजाब में कहाँ से? अच्छा, बिहार से तो होंगे नहीं। पंजाब में कहाँ से हो? पंजाब में हम लोग हैं जलंधर से, अगर आपने अच्छा सुना हाँ, है। जलंधर में तो 50% जलंधर वहां पे कनाडा में ही है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि कोई पंजाबी डॉक्टर है। ज्यादा मेरी करके तो फैमिली, आप लोग या तो वो टटिया साफ हमारी करना। फैमिली में सारे ही डॉक्टर है। तुमने कनाडा देखना है, दिखाऊं तुम्हें? मैं हाँ दिखा तो तुझे, मैं अपनी क्लिनिक दिखाती हूँ, रुक जा। नहीं, क्योंकि ज्यादा कर तो तुम लोग ट्रक ड्राइवर वगैरह होते हो ना। ये देख ले, देख ले मेरी क्लिनिक, देख, देखो देखो, ये है हमारी क्लिनिक। अच्छा, तो ये तेरी खुद की है या यहाँ पे दिहाड़ी लगाती है तू? ये मेरी है, उल्लू की दुम। ये देख, अभी यहाँ पे 7:30 हुए रात को, अच्छा और तेरे को वो सामने पिज्जे स्टोर के बाद मर्सिडीज दिख रही है, वो मेरी है, कस्टमाइज प्लेट वाली। तू जो फुदक रही है ना, जब तेरी हड्डी तोड़ के तेरे को खुद की ट्रीटमेंट करवाऊंगा ना, अच्छा तू ऐसे कर, फिजियोथेरेपिस्ट। मेरा जो हस्बैंड है ना, उसका बहुत मन कर रहा है तुझे गाली देने का, क्योंकि मैं तो गालियां देती नहीं, ये ले थोड़ी गालियां खा ले। हाय दीपक, कह रहे हो 2 कौड़ी के फिजियोथेरेपिस्ट? ओए यहाँ क्या पे तू जो ये गड्डी वगैरह दिखा रहा है ना, जब तेरी मैं हड्डी तोड़ूंगा और जब तेरी बीवी इलाज करेगी ना। मिनट, मेरे को भी अच्छा देखना है। और अच्छा फिर साले रहता है ब्रैम्पटन में, डाउन मार्केट हाँ? एरिया है वो, सब वहां पे पंजाबी है, तू ये बता, कहाँ तू किस यूरोपियन कमरे में लोग रहता रहते है, हैं उसे वहां पढ़े? पे? तू कोरोना करा के, तू कोरोना करा के कमरे में सोया हुआ नीचे सवेर के 6 बजे? साले तुम दोनों पति बोला पत्नी उनकी है ना, वो तुम दोनों पति पत्नी तेरे उनकी, को पता है, मैं मेरी हड्डी बात सुन, तोड़ूंगा मेरी तुम्हारी। बात सुन, सुन दीपक, मेरी एक बात सुन। हम दोनों ने बहुत बड़ी कोरोना को एंजॉय नहीं फिजियोथेरेपिस्ट करना बन है, रही है ना वहां हमें पे बड़ा मजा टोरंटो आता है में। जब जब लोग तेरी यही बकवास सुन के हम सारा दिन ऐसे ही हंसते रहते हैं। तुम लोग सच्ची मुझे लाइक करते हो? तुझे मैं एक बात बताऊं, तेरी तू ये जो बकवास करता है ना, मैं गुस्सा, हेलो, अरे तेरा नेटवर्क तो फगवाड़ा सा भी पत्थर है। हेलो, अरे ओ सुन, रहता कनाडा में, नेटवर्क इसका तो लुधियाना से भी पत्थर है। क्या हो गया, इसकी हड्डी टूट गई क्या? जाने दे, चल बेचारे, उनका पैकेज खत्म हो गया लगता है। फिर वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, कौन से बड़े सर्जन है, इसके उसके पैर दबा दबा के भाई भाई करके पैसे कमाते हैं। और बुड्ढे कहाँ से है तू? मैं लॉस एंजलिस से हूँ। अच्छा, तो इतने बुढ़ापे में वहां पे क्या कर रहा है, मर जा किधर जाके? मैं तेरी वेट कर रहा हूँ ताकि तेरे को मारूं और फिर जाऊं ऊपर। अच्छा, लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि तू एले में है करके? तेरी चद्दर से तो ऐसे लग रहा है तू लुधियाने में किधर सड़ रहा है। अबे भिखारी, तुझे मेरी मैं लॉस एंजलिस में हूँ, देख ले भाई, भिखारी के शहंशाह। और क्या काम करता है उधर बहन के दिने? तुझ जैसे कमीनों को काम देता हूं मैं। अरे तो लॉस एंजलिस में हमारा वो जो न्यूपोर्ट बीच है ना,
तो न्यूपोर्ट बीच पे हमारा घर है उधर। न्यूपोर्ट बीच पे, वहां पे मैं भी जाता हूँ हाँ, तो वो जो ऑरेंज काउंटी है ना, ऑरेंज काउंटी न्यूपोर्ट बीच पे, वहां पे हमारा यस घर है। तो आई नो ऑरेंज काउंटी रियली वेल। तू कहाँ पे रहता है उधर मैं रहता एले में? हूँ बेवरली हिल्स में। बेवरली हिल्स? यस अरे तेरी औकात है क्या बूढ़े बेवरली हिल्स में रहने की? पहली बात तो बता तू तू है जरा तेरा। बूढ़ा, बूढ़ों का शहंशाह, गरीबों का दाता, तुझ जैसा भिखारी तो दुनिया में है ही नहीं। अरे मेरा तूने किचन का तू सिर्फ वीडियो देखा है बातें क्या? करने के किचन लिए बैठा है, बस सिर्फ बातें कर तू बस। नहीं, हमारा सचमुच है एले में, मम्मी की कसम हमारा घर अरे है एले में। मालूम है तेरी मॉम और डैड का मैंने वीडियो देखा था कैनकुन में। हाँ हाँ, वो अभी मेक्सिको में ही है, कैनकुन में। मैं जाता हूँ, मेक्सिको जाता हूँ, मैं जमैका जाता हूँ, मैं यहाँ पे मार्केटिंग का काम करता हूँ पूरा, खाने पीने का। अच्छा, हाँ। लेकिन तूने बेवरली हिल्स क्यों बोला? सच बता, झूठ क्यों बोला? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। बेवरली हिल्स तेरे को पता है, बेवरली हिल्स, तेरे को पता है, बेल एयर। तेरे को पता है भिखारी, बेवरली हिल्स में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अभी राइट्स हो रहे हैं, क्योंकि आज इलेक्शन डे है। तेरे को पता है अमेरिका में आज टुडे इज द लास्ट डे ऑफ वोटिंग, अच्छा, कितने साल से है तू अमेरिका में? अच्छा, मोर देन 20 ईयर्स। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे एक हाँ आईफोन देके देना प्लीज। आईफोन? आईफोन, अबे तू खुद ही आईफोन यूज कर रहा है तो कितने आईफोन चाहिए तेरे को। मुझे iPhone 12 लेके दो ना प्लीज, फिर मैं देखो कैसे तारीफ करूंगा। अरे तारीफ तो मेरी ऊपर वाला करता है, तू क्या करेगा। दो ना एक आईफोन लेके प्लीज, मैं भी कहूंगा फिर कि हमारे गांव के लोग अच्छे हैं एले के। अरे अरे पहली बात है मैं गांव से हूं नहीं। एले का मतलब क्या होता है पता है? ये ले, ये एले, ये मेरी तरफ से, तू ले ये ले, ये ले तू ले, हवा ऐसे मत बोल हवा के यार। ले। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मनु अच्छा, और सरनेम? शर्मा, अच्छा, बेसिकली कहाँ से हो? बॉम्बे अच्छा, बॉम्बे में कहाँ से? अच्छा, जुहू। तो यार आपका व्हाट्सएप नंबर दो ना, आप इतने बड़े हो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आपको कोई बच्चा वगैरह नहीं है क्या? तो आपके मौत के बाद किसको देंगे ये सब कुछ? मॉम, मेरी मॉम और डैड दोनों ऊपर चले गए आसमान में। नहीं, सुनो ना, तो आपके मौत के बाद ये प्रॉपर्टी को आप मुझे वारिस नहीं बनाओगे? मैं आपको हंसाऊंगा, आपके लिए मैं डांस करूंगा, आपको मनोरंजन करूंगा, आप मुझे अडॉप्ट नहीं करोगे? मनोरंजन तो मैं अपना खुद का करता हूँ हर बार, मैं अरे लाइफ जीता हूँ एकदम शेरू की तरह। तो हम दोनों बुड्ढे रहेंगे, दोनों बुड्ढे हम बच्ची कुची जिंदगी साथ में गुजारेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? अगर तू मुझसे शादी भी कर लेगा, मेरा बॉयफ्रेंड भी बनेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? आई एम नॉट फॉर मैन, आई एम ओनली मेड फॉर वुमेन। अरे तो मैं नीचे चूत लगवा लूंगा, प्रॉब्लम क्या है? ना 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 ना, सिलिकॉन ट्विंस लगवा लूंगा मैंने ये ऊपर, दो मम्मी दबाते रहना पूरा दिन। तेरी आवाज नहीं आ रही है। घर तो अच्छा है बुड्ढे का, इसको फांसना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है। बुड्ढे को फांसना पड़ेगा। इसका व्हाट्सएप नंबर निकालो साले का। वो फिजियोथेरेपिस्ट तो कुछ काम के नहीं है, खुद रोटी के लिए जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये बुढ़ा अच्छा है, इसके साथ अगर शादी कर लूंगा ना, तो इसके मौत के बाद सब कुछ मुझे मिल जाएगा। मैं तो कहता हूं कि ये बुढ़े के चुप्पे भी लगवाने पड़ेंगे ना,
तो भी कुछ बुरा नहीं है, ब्रश कर लूंगा घिस घिस के दांत, लेकिन इसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है। ये बुड्ढा बहुत काम का है और 4-5 साल जिएगा, लेकिन ये जिंदगी भर मुझे मजा दिलवाएगा। अच्छा है बुड्ढा, हेलो हेलो, अब यू कहां से हो? राइट नाउ आई एम इन चंडीगढ़। अरे अभी एक दीदी आई कनाडा से, अभी एक यूएसए से आया, और तू कहां पे, यहां पे चंडीगढ़ की आ गई? आज सब फॉरेनर्स लोग आ रहे हैं लाइव पे, तू तो इंडियन है। अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगी। आई जस्ट वांट टू नो समथिंग। अरे तू क्या एक्सेंट मार रही है क्या? तुझे क्या लगता है फॉरेनर जैसे बात करने से तेरी नेशनलिटी चेंज हो जाएगी? तुझे नहा धो के सुबह की बस पकड़ के ऑफिस जाना है, गवर्नमेंट की बस पकड़ के जॉब को जाना है तुझे? एक्सेंट मत मार। क्या बोल रही है? अभी ये बस कह रहा था तुमने ये मिट्टी फोटो भी अपलोड की है। अरे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुमने ये ईद की फोटो क्यों अपलोड की? हाँ और इसकी फोटो ईद की, अभी ये दशहरा था, ऑल ओवर इंडिया एवरीबॉडी वाज सेलिब्रेटिंग दशहरा एंड यू अपलोडेड द ईद पिक फॉर नो रीजन, व्हाट वर यू ट्राइंग टू शो? अरे भाई मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर में मिलाद ईद सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, मिलाद ईद, जोर से बोल। आर यू मुस्लिम? हाँ मैं हिंदू हूँ लेकिन मैंने मुस्लिम धर्म को अपनाया है। ओह देन व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाई डोंट यू गो टू पाकिस्तान? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। Oh, you do want to bury it in gutter? I think you deserve that. अरे तेरी आवाज नहीं निकल रही है, तुझे इंग्लिश नहीं बोलने को आता है तो हिंदी में बात कर पंजाबी टोनिंग में। I think you want to bury it in gutter. And do you know? After 2 days, it's my flight to New Jersey. ये इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही है, इसने अभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लगाया है। ये मॉर्निंग में उठ के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किताब पढ़ के अपना ज्ञान बांटने को आ गई इधर। पागल कहीं की कौड़ी की, उसको लगा कनाडा वाले लॉस एंजलिस वाले आ रहे हैं तो इधर आके बेवजह एक्सेंट मार के अपने आप को फॉरेनर समझने लगी। और ये ना दो के बस पकड़ के जाएगी गवर्नमेंट की जॉब को। बातें तो ऐसी कर रही है ना जैसे अभी लंदन से आई है। हेलो बोल चुकी है। कहां से है? हैदराबाद से रह रही। और यहाँ पे लाइफ पे सब फॉरेनर्स लोग हैं तो तू क्यों आया यहाँ पे? तेरी गान मारा ने माइक केड़े।
सब यहाँ पे हाई फाई डिस्कशन चल रहा है और ये आ गया यहाँ पे हैदराबादी टोनिंग लेकर। सब यहाँ पे अभी फॉरेनर्स है। हेलो, पूरा आप अपग्रेड करो आपका ये पूरा। आप जम्मू से हो, मैं आपको कॉल पे लूंगा। आप आपका इंस्टाग्राम अपग्रेड करो, जितने भी लोग हैं इंस्टाग्राम अपग्रेड करो तो ही मैं आपको ले पाऊंगा कॉल पे। आपका अपडेट नहीं है, इंस्टाग्राम अपडेट करो प्ले स्टोर से तो मैं आपको ले पाऊंगा। हसनैन कुरैशी अपडेट करो आप, रोहन अपडेट करो इंस्टाग्राम। नीतीश कॉल पे आओ। करण राणा, आजा भाई, करण राणा कॉल पे आजा। हेलो हेलो, बोल। कहाँ से हो? सीएसटी नेवी नगर। अच्छा, नेवी नगर से हो, कुलाबा से। और हाँ, क्या करते हो वहां पे नेवी नगर में? मर्चेंट नेवी में हो। अच्छा, हाँ। तो जरा लाइट लगाएंगे क्या आप? लाइट लगाऊंगा तो तेरी औकात दिख जाएगी। लाइट लगाओ। और आपका जो दोस्त है, आपका कोई दोस्त है क्या यादव करके? अच्छा, नहीं, आप कहाँ, हरियाणा से हो? नहीं, मैं वसई से हूँ। अच्छा, वसई से ही हो। तो आपका पूरा नाम क्या है? उस पे दिखा नहीं था। ठीक है, ओके, चलो बाय। बाय। लौड़ा चल, मनु आ जा। हेलो, मनु कॉल पे आ जा। I'm back. मनु Yes, लाइन कट हो गई थी यार। हाँ सुनो, बोलो। मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, तुम्हारा घर एले में है और नेटवर्क तो तुम्हारा इतना वीक कैसा है फिर? नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, अच्छा। क्योंकि अभी तो मैं ये आउटडोर स्विमिंग हूँ। पूल, क्या स्विमिंग पूल क्या आपका है क्या? हाँ, पूल बहुत खूबसूरत है स्विमिंग पूल आपका। भी है और ये देखो कबाना भी बनाया मैंने यहाँ पे। वाह, कबाना मतलब पूल फेसिंग रूम, नाइस। जब मेरे यहाँ पे पार्टीज होती है तो इधर मेरे सब फ्रेंड्स के लिए मैं बहुत बड़ी पार्टी रखता हूँ। वाह, अभी मैंने ये जकूजी बहुत बंद की है खूबसूरत कोरोना की वजह से। मैंने लोगों को बोला यहाँ पे नहीं आ सकते। है। राइट राइट, Well, so this is a big, big pool. नो नो, इट्स वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। और Thank you. आपने जिस तरह से मेंटेन किया है अपने हेल्थ को वगैरह, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और आप माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, मतलब इस उम्र में आप इतने यंग लग रहे हो और बहुत ही आप स्मार्ट लग रहे हो इसी उम्र में, मतलब जिस तरह से अपने आपको मेंटेन रखा है।
बिल्कुल आप ऐसे यंग धर्मेंद्र जैसे लग रहे हो। एक्चुअली धर्मेंद्र इज माय अंकल। अच्छा, आप पंजाबी हो क्या? अच्छा बॉलीवुड, मैं पंजाबी हूँ, बॉलीवुड में हम लोग मूवीज का ही काम है हमारा पूरा। अच्छा वाह यार, तो देखो मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप एक काम करो, आप है ना, मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉलो करता हूँ, व्हाट्सएप पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे मैं आपको फॉलो करता हूँ। ओके ओके आप मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर देना, ठीक है, और मैंने जिंदगी मैसेज में किया आपको है। कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करना, मैं हमेशा आपके सब पीछे खड़ा हूं, और थैंक यू दीपक, जितना हो सके मैं आपको सपोर्ट करूंगा। थैंक यू। आई एंजॉय योर वीडियोस दीपक, आई ऑलवेज, यू आर अ गुड एंटरटेनर। थैंक यू वेरी मच यार, आपके जैसे इतने बड़े लोग, आप जब हम जैसे लोगों की तारीफ करते हो, आप जब हम जैसे लोगों को एडॉप्ट करते हो, आपके जैसे दिलदार लोग जब मौत के बाद हमें प्रॉपर्टी देते हो, तो अच्छा लगता है यार। मतलब आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे बस हो। मेरी प्रॉपर्टी तो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, हर जगह पे है, लंदन में है, इंडिया में बहुत प्रॉपर्टी है मेरी। अच्छा, और आपको कोई वारिस भी नहीं है? हाँ मेरा एक भाई है दुबई में, हमारा बहुत बड़ा घर है अच्छा, दुबई में कहाँ पे? दुबई। इट्स क्लोज टू द डाउनटाउन, नॉट फार, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ही लिव्स इन अ लाइक अ हाई टावर बिल्डिंग वहां पे, अच्छा, दुबई मॉल से दूर नहीं है, दुबई मॉल से अबाउट 3 miles। ओके ओके। सर तो मैं आपका जाता हूँ फिल्मों वहां में पे। मतलब बिजनेस है, मतलब क्या बिजनेस है आपका फिल्मों में? मेरा भाई प्रोड्यूसर है बॉलीवुड में, अच्छा, क्या नाम है उनका? माधव शर्मा। अच्छा, और कौन सी मूवी उन्होंने प्रोड्यूस की है? ये तो एक आई थी मुसाफिर आई थी, अनिल कपूर, बहुत ओके पुरानी ओके, है हाँ मतलब। हाँ संजय, उसके बाद राइट राइट, बस हाँ हमारा मेन है वहां पे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम है, माधव टेलर्स, अच्छा, हाँ अच्छा, तो वी डिजाइन क्लोथ्स फॉर लॉट ऑफ बॉलीवुड मूवीज, फॉर अक्षय कुमार, प्रीटी मच सबके लिए वहां पे। मैं नहीं बनाता हूँ, तो मेरा एक मैंने दोस्त है संजीव मूलचंदानी, उसको आप जानते हो? संजीव मूलचंदानी, मैं नहीं जानता हूँ, नो माई ब्रदर मे नो हिम। ओके ओके, नो यस प्रॉब्लम। तो आप क्या करना, मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर देना, ठीक है, ओके okay, मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, ओके आई आप मुझे सेंड यू द व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप हाँ हाँ व्हाट्सएप नंबर देना, श्योर। फिर कुछ ना कुछ देखते हैं हम, एडॉप्शन का क्या होता है, कैसे एडॉप्ट करते हैं, वो सब हम देखेंगे। कुछ एडवोकेट के साथ में डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि देखो आप जिंदगी में अकेले हो और आपको किसी सहारे की जरूरत है जो आपको बुढ़ापे में साथ दे। तो मेरा सहारा है लड़कियां, मेरी लड़कियां बहुत सहारा करती हैं यहाँ पे, अमेरिकन, नहीं, वो है ओके। रशियंस, इटालियन, जर्मन्स। अच्छा, मतलब आपकी बहुत गर्लफ्रेंड्स है क्या? बहुत नहीं, बहुत सारी हैं, ओके okay. आई एम अ बैड बॉय फ्रॉम एलए। अच्छा, ऐसे मत कहो यार, आप तो मुझे गर्म कर रहे हो ऐसे ऐसी बातें करके, मैं तो जैसे खाबों में खो गया हूं। ओ माय गॉड, You're crazy, but I enjoy watching your videos. You keep entertainment, and I appreciate what you do for bringing अरे smile to a lot of अप्रिशिएट से people. क्या घर चलता है क्या? तू मुझे अप्रिशिएट करेगा उससे क्या होगा, मेरा चूल्हा जलेगा, अप्रिशिएट करने से कुछ नहीं होगा। तो आप मुझे बोलो तो तुम्हें, मैं अमेरिका से कुछ भेज देता हूँ, बोलो मुझे एक ही कॉल में। हाँ ठीक है, तो तुम मुझे 512 GB का एप्पल का iPhone 12 भेजो, क्योंकि मेरे जो वीडियोज है उसमें क्लैरिटी अच्छी नहीं है, तो 512 GB का Apple 12 मुझे भेजो, आप मुझे ताकि मैं अपना आपके एड्रेस, लिए एक प्यारा सा वीडियो बनाऊं और जिंदगी भर आपको ऐसे ही एंटरटेन करूं। आप अपना एड्रेस भेजो तो मैं भेज दूंगा। अभी तो नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है 12 यहाँ पे।
हाँ ठीक है, तो मैं आपको मेरा एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी भेज रहा हूँ। अब मुझे टाटा करो और मुझे प्यारी सी पप्पी भी करो। मौ टाटा बाय। इतने स्मार्ट है हमारे मन्नू अंकल, और इस उम्र में भी मन्नू अंकल ने जिस तरह से, मन्नू भैया ने जिस तरह से अपने आप को यंग लगा है, अभी भी हमारे मन्नू भैया की उम्र सिर्फ 30 साल लग रही है। बहुत हमारे मन्नू भैया अच्छे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मन्नू भैया मुझे आईफोन 12 भेजेंगे और मुझे दुबई में या थाईलैंड में पटाया में एक 1 बेडरूम हॉल किचन बर्थडे में गिफ्ट करेंगे पटाया में। बहुत अच्छे हैं हमारे मन्नू भाई, बहुत अच्छे हैं। अभी मैं रोज मिडनाइट को लाइव पे आऊंगा ताकि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क के लोगों को मिल सकूं। बहुत अच्छे लोग आते हैं मिडनाइट को, कितना अच्छा होगा जब मुझे वो एप्पल आईफोन 12 मिलेगा। तुम्हारे लिए 2 कौड़ी की समझे, उससे तुम्हें शर्म नहीं आती? वो अंकल जी से ऐसे बोल रहे हो, उनसे शादी करोगे? यू मदर फकर, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेच खाई सारी शर्म ना। अरे वो अंकल को लड़कियां पसंद है। हाँ तो तुम कोई कम थोड़ी हो लड़की से, है ना? तुम तो अरे तो वो अंकल को लड़कियां पसंद है, तो मैं अगर मम्मी लगा लूंगा तो वो मुझे आईफोन देंगे, तो तुझे क्यों जलन हो रही है? ओ, तुझे चार्जर भी नहीं देंगे वो, तुझे चार्जर भी नहीं देंगे, तुझे मन्नू भाई चार्जर भी नहीं देंगे। मेरे पे है इतना पैसा, समझ आई बात? और जो तुम्हारा फोन है अभी, इतना घटिया फोन, ऐसा लगता है सेकेंड हैंड खरीदा होगा किसी से, और आईफोन के सपने देख रहे हो। औकात के हिसाब से करनी चाहिए बात, समझे? और क्या कह रहे थे तुम, कोचिंग लेती है? यू पीस ऑफ शिट, आई एम अ बोर्न इंग्लिश स्पीकर। कहां पे रहती है तू? डू यू नो आई हैव स्टडीड इन न्यू जर्सी, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। हैव यू बीन देयर? हैव यू एवर बीन देयर? अरे तेरी हडसन रिवर में डूबने की औकात नहीं है, कहाँ न्यू जर्सी की बातें कर रही है तू? तुम्हें तो गटर में दफनाना चाहिए, तुम्हारी वहीं की औकात है। तुम पाकिस्तान जाओ, वहीं रहो। और अभी तुमने ये इमरान की और अपनी फोटो लगाई थी, अपना मेम बनाया था तुमने खुद ही। ओ माय गॉड, मैं तो हंस हंस के क्या बताऊं, मैं तो इतना, मैं तो आई जस्ट कुड नॉट कंट्रोल माय लाफ व्हेन आई सॉ दैट मीम। ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली आई जस्ट कैन नॉट बिलीव दैट तुमने बगैरती की हद पार करी हुई है। तुमसे ज्यादा बगैरत कोई नहीं है। अच्छा सुन, ये ऐसे ऐसे एक्सेंट मार के तू क्या फॉरेन पहुंच जाएगी क्या? चंडीगढ़ में रहती है तो औकात से रहना। इट्स नेचुरल, डू यू अंडरस्टैंड? इट्स नेचुरल। आई एम अ नेटिव स्पीकर, आई एम अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर। अरे तेरा चेहरा देखा है क्या तूने? कौवा हाके गया है तेरे मुंह में, कौवा है ना टट्टी करके गया है तेरे मुंह में। इतनी तो तेरी गंदी शक्ल है। I got it imported from Milan and it cost me 10 lakh. Can you afford this? Can you afford this painting? Can you afford such painting? Do you have anything imported? It's imported from Milan. Do you know? It's Picasso inspired. See? How much does it cost? Can you afford such things?
So this is Picasso painting. Yeah, it's Picasso inspired. It's not Picasso though, it's Picasso inspired. So if you are that rich, then you should go for Mona Lisa or Leonardo da Vinci. Why did you go for Picasso? That's all you should, that museum. You should go for Monet. You should go for Van Gogh. You should go for Monet. I'm not asking for your suggestions. Okay. So you are using Picasso inspired paintings. Yeah, I like that. It's Picasso inspired. It looks great on my room. Okay, you tell me, you said that you are from New Jersey. Then why, what you are doing in Chandigarh? I live in Chandigarh. Chandigarh is my hometown. And where is your father? I've studied in New Jersey. Do you know most of the Punjabis, they live outside India. I know, and they are truck drivers there. Your father is truck driver? No, he is a businessman. Okay, what business does he do? And why am I gonna tell you about that? Why are you asking me all this personal? It's totally personal. I'm not gonna tell you. We have a business in real estate. We have land. Where do you have land? No, no. Where do you, what do you have land? Why you are saying such all dirty things? You know that this is decent life. All decent people are here. Why you are using such kind of language? Why you are saying that you are having land? I said we have business in real estate. But you said that you are having land. Don't you have shame? You piece of shit. Do you know that there are good, all good people in this life, when you are using such kind of language, we are ashamed about you. You use such words, okay? Everybody's learning from you. Everybody's learning from you. Everyone curses on your mother. You don't feel bad. You don't get hurt. That's how shameful you are. Okay. What do you do in Chandigarh? I live there. I came here from New Jersey. It's my hometown. So where is Buddha Buddhi? What? Buddha Buddhi. Your father and mother. They live here. They live at home. Okay. So they don't slap you that at 4-5 o'clock you are arguing with me rather than doing any work. So don't you feel ashamed about yourself? Why? Why am I gonna ashamed? Am I gonna be ashamed, huh? You need some shame. Okay. What's your name? Diksha. Don't you see my name there? Auto rickshaw. Diksha. Okay. और मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, ये पाकिस्तान में तुम इतना सपोर्ट क्यों करते हो? अगर तुम्हें पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो वहीं जाके रहो. इंडिया में क्या काम है तुम्हारा? हाँ, अरे मेरी जो दादी माँ है वो हाफ यूरोपियन है. मेरी दादी माँ हाफ यूरोपियन और हाफ पाकिस्तानी है. अच्छा. मेरी जो दादी माँ है हाफ यूरोपियन है हाफ पाकिस्तानी है. Do you think everybody fool out there? Are they gonna believe you? बाकी तुझे तो हमने बिलीव किया, तेरे जैसी कालू काली कलूटी अगर न्यूजर्सी जा सकती है. हाँ, कोकणा सेन शर्मा की तीसरी जेरोक्स कॉपी है तू. कोकणा सेन शर्मा की तीसरी जेरोक्स कॉपी. तो तेरे जैसी मक्खी अगर वहां पे जा सकती है न्यूजर्सी में, तो लोग बिलीव तो कर रहे हैं ना.
तुम या तो तुम पाकिस्तान में रहो या तो तुम कहीं और रहो, जिस किसी भी कंट्री को तुम सपोर्ट करते हो, क्योंकि इंडिया में तुम कलंक हो। तुम कहीं भी जाओगे मत बताना तुम इंडियन हो या हिंदू हो, तुम जैसा इंसान कभी नहीं हो सकता। तुम कलंक हो, दीपक कलंक। तुम्हारा नाम पहले दलाल होगा, तुम्हें तुमने उसको बदल के कलार रख दिया होगा। सही बोला था करण जौहर ने, सही बोला अरे था। तो मेरे बारे में करण जोहर बोलता है, तेरे बारे में तो गुरदास मान बोलता भी नहीं है ना, शेरीमान बोलता है। अरे तुम्हारी यही औकात है, तुमने गालियों से तो अपनी पहचान बनाई है, तुमने गालियों से तो अपनी पहचान बनाई है तुमने। अरे ये लेकिन मैंने होता है बनाई तो सही है, लेकिन तुझे तो वहां चंडीगढ़ में, खरड़ में भी ना, मोहाली में कोई जानता है, मैं और यहाँ तुझे कभी तो कभी देख के जाती कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि तू न्यू जर्सी की है। ऐसे लगता है तुझे देख के तू अफ्रीका में गुलाम थी पहले, अफ्रीकन, तेरी अच्छा, शक्ल अफ्रीकन तुम्हें जैसी देख के है। कैसा लगता है, तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम्हें किसी कचरे के ढेर से उठाया होगा, किसी टट्टी खाने से उठाया होगा तुम्हें कश्मीर के, तुम्हारे घर वालों ने अडॉप्ट किया होगा, तुम्हें देख के ऐसा लगता है। ठीक है तुम्हें चल याद है निकल, वो अभी बहुत हो गए तेरे नखरे। जो यू फका, यू फका, यू स्टूपिड। बात कर रही है, आई इधर झाड़ने के लिए, मैं ऐसी नहीं, मैं वैसी। औकात देखो पहले अपनी औकात। माँ चूदे गली गली, बेटा बने बाहुबली। मैं ऐसी नहीं वैसी, साले चंडीगढ़ में रह के एक्सेंट मार रही है, कॉल सेंटर में जॉब करती है, एक्सेंट स्पीकिंग का 2 घंटे का कोर्स करके आई है इधर। पिकासो पेंटिंग घर में रखी, इतनी औकात है तो वैंगो का पेंटिंग रख, लियोनार्डो दा विंसी का पेंटिंग रख, मोनेट का पेंटिंग रख। बड़ी आई, माँ चूदे गली गली, बेटा बने बाहुबली, ऐसी हालत है इनकी। ये कौन है अभी? और आ जा भाई, तू भी आ जा। आ जा भाई, कॉल पे आ जा। अपने गुज्जर भाई भी कॉल कर रहे हैं, कल तक ये लोग घिटोडी में रहते थे, आया नगर रहते थे, अभी कह रहे लंदन पेरिस से बात कर रहा हूं। ये समोसे वाली है भाई, जट्टी प्रिया, ये समोसे वाली है न्यूजीलैंड की। आ जा भाई, कॉल पे आ जा, जट्टी प्रिया कॉल पे आ जा। इसका नेटवर्क नहीं है क्या? हेलो, हाय, आई हाउ आर यू? एम गुड, हाउ आर यू? हाउ आर यू? फाइन। और मैंने परसों देखा तो कुछ बेच रही थी, बर्गर वड़ा पाव। नो ब्रो, दैट इज नॉट बर्गर वड़ा पाव। वी अर्न हियर गुड, अच्छा कमाने के लिए ही अच्छी जॉब करते हैं। इट्स अ गुड कंपनी, अच्छी कंपनी है जहां हम काम करते हैं, नहीं बर्गर वड़ा पाव नहीं बेचते हैं। नहीं, लेकिन तू कहाँ, न्यूजीलैंड में रहती है ना? अरे तो न्यूजीलैंड में कुछ बड़े बिजनेस चालू कर, आज तेरे हाथ के नीचे 50-60 लोग काम करने चाहिए, और तू वहां पे जाके लोगों आई को विश। ये सब बेच रही है। ये अच्छी बात है? तुम्हारे पापा मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि भाई बेटी जो है, न्यूजीलैंड में कहाँ पे रहती है तू? ऑकलैंड
हाँ तो न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में वो तो नंबर वन शहर है, वेलिंगटन से भी बड़ा है वो, कैपिटल वेलिंगटन से भी बड़ा है वो, ऑकलैंड नंबर वन शहर है आज इतने अच्छे शहर में कैपिटल है। हाँ पता है मुझे वेलिंगटन कैपिटल है ऑकलैंड, लेकिन उससे बड़ा शहर है ना, तो आज इतने बड़े शहर में तो वहां पे ये ऐसे फूड आइटम भी जॉब इतनी जल्दी अच्छी जॉब नहीं मिलती, आपको ना हार्ड वर्क करनी पड़ती है, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है तब मिलती है, वरना आपको कहीं जॉब नहीं मिलती ऐसे। अरे लेकिन जब मैं तेरे उम्र का था तो मैं तो 10-10 नौकर रखता था। क्या करें, सेल्फ सेल्फ मेड बनना है ना, नौकरों की जरूरत नहीं है अपने आप को बनाने के लिए। अच्छा और इंडिया में कहां से हो? दिल्ली। अच्छा अच्छा तो क्या मतलब ऐसे नौबत आ गई कि तुमको यहाँ पे एक न्यूजीलैंड में एक रेस्टोरेंट में ऐसे जॉब करना पड़ रहा है, मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? भी नहीं है, इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट, आई एम अ मैनेजर इन अ गैस स्टेशन, मैं गैस स्टेशन पे मैनेजर हूँ, इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट। अच्छा गैस स्टेशन में तुम मैनेजर हो, तो कुछ लाइफ में बड़ा करो ना, ऐसे क्यों मतलब आज तुम्हारे जैसी गुड लुकिंग लड़की आप भी देखेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, बट थोड़े पैसे आ जाएं अकाउंट में, अच्छे से सेविंग्स वगैरह हो जाएं तभी। क्योंकि मुझे बुरा लगा जब मैंने देखा ना तेरे को, वो सब लोग आ रहे थे, काम कर तू मेरे क्रूज में जॉब करेगी, मेरे मियामी में क्रूज चलते उधर तू तेरे को जॉब। नहीं मुझे मियामी पसंद नहीं है बिकॉज वहां पे ट्रम्प है, I prefer New Zealand क्योंकि मेरी Prime Minister बहुत अच्छी है इस country की, she's very good woman and उन्होंने बहुत अच्छे से New Zealand को संभाल रखा है, so मैं यहाँ पे prefer करूँगी रहना, not even Canada, New Zealand, anytime। देख actually मेरे कैसे है, मुझे एक pole dancer की जरूरत थी, you know, तो अगर तुझे कुछ नहीं करना है, वहां पे एक पोल है उसको फील करना है, तुझे पोल को पकड़ना है। मुझे पोल पसंद है, कुछ डांस ही नहीं करना आता सर। तेरी हॉबीज क्या है, क्या तुझे क्या करना आता है ये बता। मैं मेरे को लिखना आता है, मेरे को गाना आता है बस, आज सर मुझे डांस करना नहीं आता। क्या लिखती है तू? आई राइट पोएम्स, आई राइट paragraphs for women empowerment. Okay, tell me difference between poem and poetry. What is the difference between poem and poetry? Okay, there is no difference between both. There is no, not a slightest of. Okay. मैं बहुत they're saying मैं तुम आपको sir क्यों बोल के बुला रही, because शायद मुझे किसी की डिसरिस्पेक्ट करना सिखाया नहीं गया, फॉर नो रीजन आई डोंट अब्यूज पीपल, तो इसलिए मैं आपको सर कह के। अरे तू मुझे सर बुलाती है क्योंकि जो होटल जहाँ पे तू जॉब करती है ना, वहाँ पे अगर तूने लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी, लोग तुझे निकाल देंगे, तेरी औकात ही वही है। मुझे लोगों को रिस्पेक्ट दे, आज मेरे मियामी में क्रूज चलते हैं, मेरे हाथ के नीचे करोड़ों में मैं खेलता हूँ। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, आई हैव रीच्ड माय वर्क प्लेस Now I have to go. Sorry. तो ये जो बोल रही है ना, ये न्यूजीलैंड में गैस स्टेशन पे जॉब करती है और कहती है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि तुझे पता है कि मैं अगर वो गैस स्टेशन के मालिक को फोन करूंगा कि भाई इसको जॉब से निकाल दे, तो तू रोटी की मोहताज हो जाएगी, समझी? तुझे पता है कि दीपक के बड़े बड़े पहचान है, वो जो प्राइम मिनिस्टर है जो वेलिंगटन में रहती है, उसके साथ मेरा उठना बैठना है, इसको पता है। तो तू जो मेरी रिस्पेक्ट दे रही है ना, वो तेरी मजबूरी है, इसीलिए तू मुझे रिस्पेक्ट दे रही है। तो कोई बहुत रिस्पेक्ट देने वाली नहीं है, मुझे पता है। डैन बिल्जेरियन मेरा फ्रेंड है, मियामी में मेरे क्रूज चलते हैं, एक फोन करूंगा ना जिस गैस स्टेशन पे तू काम कर रही है ना, वही तेरे ऊपर वो गैस डाल देगा और आग लगा काड़ी लगा देगा, माचिस की तीली लगा देगा, जलती रही हो उधर। आई बड़ी मुझे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए,
न्यूजीलैंड से तुझे उठवा के वहां भेजते ही दिया ना मैंने तुझे पीजी में, जा फिर पीजी में जाके रही हो उधर 40 लोगों के भीतर, उम्बा उम्बा हैया हैया। तुझे मैंने नारू में ही भेज दिया ना, सबसे छोटा आइलैंड एकदम घटिया है वो, ओशियानिक में नारू आइलैंड भेज दूंगा। अरे दो कौड़ी की लड़की वहां पे गैस स्टेशन में काम करती है ऑकलैंड में, और मुझसे बहस करेगी। हाँ साले औकात बना, औकात पहले अपनी औकात बना फिर बात कर साला। बड़ी आई यहां पे अभी वो मन्नू प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर। चलो भाई उसका और मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा मैच करता है, इसकी क्या है औकात? पैसा है ठोक के है मेरे पास है, क्योंकि यही मेरी औकात है। साला मां चूदे गली गली, बेटा बने बाहुबली साला। ये जिंदगी में आगे बढ़ेगी लोगों के गड्डी में गैस भर भर के। साले जिंदगी में शुरुआत तो कुछ अच्छी करो, मेरा एग्जाम्पल लो। आज मैं कश्मीर का सुपरस्टार हूं, कश्मीर के स्टैंड स्टैंडर्ड की किताब में मेरे पाठ पढ़ाए जाते हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि मेरी वो औकात है। कश्मीर की जो करेंसी है उसके ऊपर मेरा अक्स है। क्यों अक्स है? क्योंकि मेरी वो औकात है। समझे? माँ चुदे गली गली अने बेटा बने बाहुबली। घी को लड़ो भाई, मैं अच्छा बोल रहा हूं, मेरे क्रूज में आ जा। पोल डांसर की कमी है, कर ले जॉब। मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं वैसे नहीं कर सकती। क्या करना है तुझे वहां पे? यहां पे अच्छा है ना गैस स्टेशन में जॉब करने से? साला चलो